तो कैसे हो आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। मैं पीएम डीएनए सिंह यहां पे लेकर आया हूं। भारत और नेपाल की जो बॉर्डर्स हैं वो बंद पड़ी हैं, फिर भी उनमें सिचुएशन क्या चल रही है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपके काम की वीडियो है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें बॉर्डर पार करना है, ये करना है, वो करना, उनके लिए बहुत बढ़िया न्यूज है ये। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वैसे देखा जाए तो बॉर्डर्स हैं वो सभी को पता है 9 महीने से बंद हैं, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो नाम की ही बंद है। जी हां दोस्तों, ये मैं क्यों कह रहा हूं इसका एक्सप्लेनेशन धीरे-धीरे चलता जाएगा। तो यहां पे जो डिसीजन आ रहे हैं उसे देखकर यहां पे जो भारत के सीमा पर स्थित लोग हैं या फिर नेपाल के सीमा पर स्थित लोग हैं या फिर जो लोगों को पार करना है बॉर्डर, वो यहां पे दुखी हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि पिछले बहुत से महीनों में हमने देखा है प्रत्येक बार एक डेट पकड़ा दी गई और उस डेट के 2 दिन पहले एक नई न्यूज निकाली गई जिसमें 1 महीना और आगे यहां पे पोस्टपोन कर दिया गया बॉर्डर खोलने को लेकर। ये चलता गया 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर को बॉर्डर खुलने थे लेकिन नहीं खुले, सभी को पता है, लेकिन अब की बार डेट भी नहीं पकड़ाई गई। अब यहां पे लोगों को लगने लगा कि भैया ऐसे तो बॉर्डर नहीं खुलेंगे। तो यहां पे नेपाल की से एक खबर आ रही है, नेपाल के जो लोग हैं, जो लोग यहां पे बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग यहां पे दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, जो काश्तकार हैं, जो कामगार हैं ऐसा कह सकते हैं, वो लोग अब यहां पे सरकार से तंग आकर बॉर्डर पार करना चाह रहे हैं। और उनकी बहुत संख्या, मैं बता दूं आपको कि बहुत संख्या यहां पे बॉर्डर पार कर रही है एवरी डे, मतलब प्रत्येक दिन में लगभग 200 या 300 कामगार या फिर किसी विशेष काम से जाने वाले, ऐसे करने वाले वो बॉर्डर को पार कर रहे हैं और उसमें कोई रोक टोक नहीं है। मैं ये बात बता रहा हूं यहां पे गोरीफांटा बॉर्डर से लोग काफी ज्यादा संख्या में पार कर रहे हैं, बाड़नी बॉर्डर से काफी ज्यादा लोग यहां पे पार कर रहे हैं, चाहे सोनाली बॉर्डर हो, मतलब जो स्पेशल बॉर्डर्स हैं उनसे बहुत सारे लोग यहां पे पार कर रहे हैं एवरी डे। तो यहां से एक बात स्पष्ट हो रही है कि नाम से, जैसे कागजों में तो ऐसा कह दिया गया है कि बॉर्डर बंद है, किसी को अनुमति नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी, लेकिन एक्चुअलिटी ये है कि यहां पे जो कामगार हैं, जो विशेष काम के लिए जाते हैं, जैसे ऑपरेशन कराने, आईज ऑपरेशन के बहुत से केस हैं जो कि रोजाना यहां से पार करते हैं। ये विशेष सूचना भी है, जो लोग ऑपरेशन करवाना चाहते हैं वो गोरीफांटा बॉर्डर से जा सकते हैं, बाड़नी बॉर्डर से जा सकते हैं या फिर आपके हिसाब से कोई और बॉर्डर है तो उनसे जा सकते हैं। देन फाइनली कि लोग पार कर रहे हैं वहां से। तो दोस्तों यहां से ये निकल रहा है कि इंपॉर्टेंट वर्क अब भी वैसे ही चल रहे हैं, थोड़ा इतनी जरूर है मुसीबतें आ रही हैं, क्योंकि अगर एक ले मिल जाते, अभी खुल जाती बॉर्डर तो अलग बात थी, लेकिन नहीं खुलने के बाद भी अभी लोगों ने ये कहा है सरकार की तो अंगेस्ट की भैया ऐसे तो नहीं चलेगा, घर चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो काम करने वाले लोग तो कहीं जाएंगे। तो भारत में काम करने वाले लोग बहुत से आ रहे हैं यहां पे नेपाल के, और भारत के लोग भी जा रहे हैं काफी ज्यादा संख्या में, जो लोग यहां पे काम से जा रहे हैं या फिर ऑपरेशन कराने जा रहे हैं या फिर कोई काम करने भी जा रहा होगा। देन फाइनली कि काफी ज्यादा संख्या में यहां पे लोग आ रहे हैं। तो ये थी पूरी खबर दोस्तों। खबर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।